चलो रिकॉर्ड ठीक है। तो जो वर्ड यस सही। ट्रिग्नोमेट्री है ये तीन शब्द से मिलके बना है, ट्राई गॉन मेटेरॉन। ठीक है, ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइडेड, और मेटेरॉन मतलब क्या, टू मेजर। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में डील कर रहे हैं कि हमको एक तीन साइडेड फिगर के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करना है। ठीक है, अब अगर तीन साइडेड फिगर में भी हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में हम इंटरेस्टेड हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में यदि मैं आपसे कुछ कहूँ कि उसकी कुछ खास बातें हैं या है ना, क्या खास बात है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और और जो उसके जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है इसको हाइपो कहते हैं, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट भी होता है। ठीक है, यस सर, यही सब कुछ यस होता सर, है। जी यस सर, सर। और सर और क्या, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। और हाँ देखो इसमें दो एक्यूट एंगल होते हैं ना, मान जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। ठीक है, एक एक्यूट एंगल हो गया आपका एंगल ए, और एक एंगल हो गया एंगल सी। तो जब मैं एंगल ए की बात करता हूँ तो एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है, एंगल ए के अपोजिट, परपेंडिकुलर एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है बी बीसी। सी, जिसको हम कहेंगे क्या, परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, और एंगल ए जिन दो साइड से बन रहा है, एक आपकी हाइपोटेनस हो गई, दूसरी साइड जिससे एंगल ए बन रहा है उसको हम कहते हैं बेस, जो कि बीस है ए बी। ठीक है, यस सर। सिमिलरली यदि मैं एक्यूट एंगल सी की बात करूंगा तो उसके सी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, हाँ और उसको हम कहेंगे क्या, ए बी। ठीक है, और क्या, इसके जो जिससे ये बन रहा है एंगल सी उसको हम कहेंगे बेस, या कि इसका बेस नाम क्या होगा, बी सी इसका बेस है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या था, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि एक लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस जो रात में शिप को वो शिप दिखाता का है ट्रैफिक रास्ता। कंट्रोल करता है। हाँ, ऐसे मान लो ये आदमी एक, उसको एक शिप मिली है जो कि कभी गुम हो गई थी। ठीक है, तो उसको देख रहा है। ठीक है, और ये हाँ लाइट हाउस है ये पूरा का पूरा खुद 120 मीटर का है। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है इसका शिप के साथ, ये हमको नहीं पता। ठीक है, और इस शिप को इनको खोजना है, देखना है कितनी दूर है, तो इनको ये निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैसे, देखो यदि हमारे पास एक कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उस अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एक्यूट एंगल है, इसको सी, या कि हम इसको थीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, किसी भी एक्यूट एंगल थीटा की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए इसकी साइड्स का रेशियो अगर मैं निकालूं, साइड्स का रेशियो क्या हो सकता है, साइड्स का रेशियो हो सकता है ए बी अपॉन ए सी हो सकता है। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी हो सकता है। एसी ठीक है, यहाँ की ए बी अपॉन बी सी हो सकता है, यहाँ की ए सी अपॉन ए बी हो सकता है, यहाँ की ए सी अपॉन बी सी हो सकता है, या कि बी सी अपॉन ए बी हो सकता है। ये 6 केसेस पॉसिबल है। तो हम लोग अभी साइड्स के रेशियो को ऐसे तो याद नहीं कर सकते ए बी अपॉन ए सी, तो हमने इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया, जैसे जब भी किसी एंगल के थीटा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसकी हाइपोटेनस का होगा, है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर और उसकी हाइपोटेनस का कभी भी रेशियो होगा, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया कि ये साइन है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। यदि हम देखें किसी एंगल थीटा का बेस और उसकी हाइपो का रेशियो हो, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉस। ठीक है, कॉस ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, जब हमने देखा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हो, तो हमने उसको क्या दे दिया, टेन टेन
टेन नाम दे दिया, ठीक है। और ये देखो रेसिप्रोकल हो गया हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसको हमने नाम दे दिया साइन का रेसिप्रोकल, तो उसको हमने कोसेक दे दिया, ठीक है। ये हमारा कॉस का रेसिप्रोकल, तो उसको हमने सेक नाम दे दिया, दे दिया। और टेन का रेसिप्रोकल को हमने क्या नाम दे दिया, कॉट दे दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक, तो ये आपके सारे रेशियोज हैं। अब जैसे बात आती है कि सर याद कैसे करें, मैंने भी पहले बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रिक थी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे याद रखो। लेकिन अब तो टाइम ऐसा है कि एग्जाम का समय आ रहा है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को तो याद भी हो गया एग्जाम में होगा। जाके टेबल बना ही देंगे ना ये तो पूरी। अरे इन लोगों का एग्जाम कल से है यार। हाँ बोलो भविष्य। वो आरडी से आएगा कि बस एनसीईआरटी? अरे जो आएगा तुम कर लोगे, टेंशन क्यों लेते हो, हमें को पैटर्न पता है वैसे। ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, सर 70% एनसीईआरटी से और 30% आरडी से है। दिया है क्वेश्चन कि हाँ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी इफ ए बी इज इक्वल टू 12 एंड ए सी इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। ये क्वेश्चन है आपका, अभी करके भेजना, करके बताओ अभी कैसे करेंगे। यस सर, 2 मिनट दिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ यश, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सर मैं बताऊं? बताओ सर, पाइथागोरस थ्योरम से पहले बेस निकालेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। सबसे पहले हम सर ये खुद ही करें कि करो ना, मेरे से पहले करके बताओ ना। थर्टीन स्क्वायर कितना होगा, 169, 169, 169, उसको 144, तो 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी कितना हो जाएगा, तो बी सी आ गई 5। यस सर, अब हमको कुछ वैल्यूज निकालनी है। तुम्हारी साइन ए क्या होगा, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। उसके बाद साइन सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। साइन सी कॉस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। और कॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं हम, बी सी कितना है 5, ए सी है 13, ए बी है 12, 13, 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। सो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, ठीक है। आप लोग की भी यही है, यस सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ 3 tan theta is equals to 4, then
व्हाट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा. ठीक है, यश तब तक मेरे को फर्स्ट एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का फोटो भेजो. अरे पहले क्या लिखा, व्हाट इज साइन एंड कॉस. हाँ, व्हाट इज साइन थीटा. हाँ भेज दो, जो भी है आपको भेजना. ठीक है, बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी. सर आ गई वैल्यू कितनी आई सर, साइन थीटा की 4/5 और कॉस थीटा की 3/5. साइन थीटा की 4/5, हाँ, और कॉस थीटा की 3/5. ठीक है, सभी का यही है आंसर. ये सर एक इन्होंने निकाला. अगला क्वेश्चन, इफ हाँ सर यही है, 4/5 और 3/5. साइन 4/5 और कॉस 3/5. ठीक है, अगला क्वेश्चन करो. यस, इफ 15 cot a इज 8 देन साइन a cos a इज इक्वल टू. ठीक है, जब तक ये करो तब तक एक बार मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ. ठीक है, ये क्या है हमारा एक बार. अच्छा ठीक है सर, आप लोग तब तक ये अलग करो ना. हाँ सर. अगर हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, और अगर उसका कोई एंगल है थीटा, इसको अगर मैं लिखूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 4/3, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. मतलब थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है. तुम हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा के 4² + 3² सर आ गया PA/H, मतलब सर आ गया इसका, एक सेकंड, 5. तो अब इसके लिए हम साइन लगा लेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो तो 4/5, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो तो 3/5. इसका क्या आया सर, साइन का आएगा 15/17 और उसका आएगा 8/17. अच्छा ठीक है, इसको भी एक बार करके देखते हैं. हमको ऐसे वैल्यूज दिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे. इस ट्रायंगल को ये एंगल ए दे देते हैं. अगर एंगल ए के लिए कॉट ए इज 8/15, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन का रेसिप्रोकल अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हमको एसी फाइंड करना पड़ेगा. एसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 15² + 8² दैट इज 225 + 64 That is 289, और यही क्या होता है 17 का स्क्वायर. तो एसी 17 आ गई, तो यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा 15/17 और कॉस ए क्या हो जाएगा 8/17. आ गया समझ में कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन. यस सर. ठीक है, ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, राइट
एंगल्ड एट क्यू. यहां पे हमको इक्वेशन दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. फाइंड द वैल्यूज ऑफ. कौन कौन सी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन में? हमको फाइंड करनी है साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी. तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूं. ठीक है, ये बन गया हमारा ट्राइंगल. इसको नाम देते हैं पी क्यू आर राइट एंगल, क्योंकि क्यू पे है. ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है? पी क्यू की लेंथ कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है. पी आर प्लस क्यू आर हमको दिया है 25. यदि मान लो क्यू आर को यदि मैं एक्स ले लूं, क्यू आर को एक्स ले लूं, तो पी आर कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स हो जाएगा. हाँ या ना? यस सर. होगा. और मेरे को पता है कि सिंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट ट्राइंगल, सो इट विल फॉलो पाइथागोरस. और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कि पी आर स्क्वायर इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज पी क्यू कितना है? 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर काटा, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, 600 इज इक्वल टू 50x, x is equals to 600 divided by 50, that is how much? 12. ठीक है, तो हमारा x जो कि qr था, जो कि x के बराबर था, वो कितना आया? 12 सेंटीमीटर. और pr जो कि कितना था? 25 माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12 जो कि है 13. तो pr की वैल्यू 13 हो गई, qr की वैल्यू कितनी हो गई? 12. अब हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल पी दिया है, तो बताओ भविष्य साइन पी की वैल्यू क्या होगी? साइन पी की होगी पी अपॉन एच. तो सर ये क्यू आर अपॉन 25 माइनस एक्स, मतलब एक्स अपॉन 25 माइनस एक्स. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 12. और 25 माइनस एक्स. सर पी आर कैसे होगा? पी आर हाइपोटेनस है ना यार. अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नहीं होता है साइन. तुम बताओ. चलो कुणाल. यस सर. कॉस पी की वैल्यू क्या होगी? कॉस पी की कॉस क्या? पी क्यू अपॉन क्यू आर. पी क्यू अपॉन पी आर होगा ना, हाइपो पी आर है ना. अच्छा हाँ, नहीं अच्छा हाँ समझ. बताओ यश, टेन पी की वैल्यू क्या होगी? 12/5. ठीक है, हो गया. लिखना है क्या? नो सर, पेरिंग वगैरह कंफ्यूज हो. हो गया सर. हो गया. अब एक क्वेश्चन और आप लोग सॉल्व करके बताओ. इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन
cos A and tan A, इनकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है करो, और एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ. एनसीईआरटी का ही है. इफ थ्री cot A is equals to 4, then 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. ठीक है? Yes, sir. पहले का आ गया आंसर सर. पर पहले का आंसर आ गया. सर आपने मेरे को बुलाया था क्या? नहीं बुलाया था यश. ओके सर. 11 हो गया ना पहला वाला? नो नो सर, मेरा रजिस्टर खत्म हो गया, मैं दूसरा देखने गया था. पहला वाला हो गया सर. हाँ ठीक है, दूसरा करो ना. यस सर. चलो देखते हैं कैसे. ठीक है, पहला ला आ गया सभी का. कॉस है कितना आया सर? कॉस है सर मेरा आया √7/4. ठीक है, और सर टेन ए आया 3/√7. थ्री अपॉन रूट सेवन सभी का यही है. हेलो. यस सर. चलो नेक्स्ट करो. क्या दिया है? cot A equals to सर एक बार होने वाला है, बस एक बार. हाँ तो इसमें साइन, और देखो इसको सिंपलीफाई कर देना. a plus b a minus b लिखा है तो क्या हो जाएगा? a square minus b square, और यहाँ पे भी a square minus b square. तो डायरेक्टली स्क्वायर करके वैल्यूज पुट करना. साइन a की वैल्यू कितनी आई? 3/5 आई.
आई ये वाली वैल्यूज यस सर सभी की भविष्य हाँ सर सर हो गया सेकंड वाला ऐसे मेरा माइक ही बंद था तो यही वैल्यूज आई हैं आप लोग की भी यस सर एक सेकंड बस सर सर मेरा तो एनसीईआरटी में सर कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखना पड़ेगा पहली एक्सरसाइज में ये देखो मिल जाएगा सर ये आप क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ये साइन है वाला तो आप लिखे हैं नहीं तभी तो साइन और कॉस की वैल्यू लिखी है ना यहाँ पे पुट करेंगे 1-3/5 का होल स्क्वायर 1-4/5 का होल स्क्वायर कितना 16/25 हाँ ऊपर 16/25 नीचे सर सही आया मेरा 9/25 16/9 हाँ ठीक है ना हाँ ये आएगी वैल्यू तो यहीं पे लगभग सही है सर फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है मेरा भी यही आता देखते हैं।